Hello, fourth class. Get ready for today's SS class. Students, tell me, besides Sunday, Saturday, and your summer and winter holidays, on which day you get holidays? आपको सैटरडे संडे और समर वेकेशन और विंटर वेकेशंस के अलावा और कौन से दिनों में हॉलीडेज़ मिलती हैं? स्टूडेंट्स, वी गेट हॉलीडेज़ फॉर फेस्टिवल्स, सो हमें फेस्टिवल्स के लिए भी हॉलीडेज़ मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्लॉक, ब्लॉक 13, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, एंड टुडे वी विल लर्न टू लिस्ट सम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, राइट द नेम ऑफ सम फेस्टिवल्स। Why do you celebrate them? जो भी आप festivals के name write कर रहे हो, हमने क्यों मनाते हैं? Why do you celebrate? Who do you celebrate festivals with? आप किन के साथ celebrate करते हो festivals को? Let's discuss the answers. Diwali, Eid, Christmas, Pongal, Holi, Dashera, Baisakhi and Makar Sankranti are the festivals, are some festivals. We celebrate many festivals at different times of year. हम बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। वी यूजुअली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और विद इन आवर कम्युनिटी। हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, विच आर सम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, हु सेलिब्रेट देम एंड व्हाई? फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इंक्लूड दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व, Dashera, Pongal, Holi and many others. Students, people who follow certain religions celebrate their own religious festivals. जो एक proper religion को एक proper धर्म को मानते हैं, वो अपना धार्मिक जो त्यौहार है वो मनाते हैं. For example, people belonging to the Sikh follow certain religions celebrate Gurupurv. जो सिख लोग होते हैं वो गुरु पर्व मनाते हैं. एंड मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद, जो मुस्लिम हैं वो ईद मनाते हैं बाय पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उन लोगों द्वारा मनाए जाते हैं जो सेम लैंग्वेज स्पीक करते हैं और बिलोंग टू द सेम रिलीजन और एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड बाय तमिल स्पीकिंग हिंदूज. पोंगल जो है वो तमिल के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन और स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. हैंस मोस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन इंडिया. वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल आइदर टू शो रिस्पेक्ट टू अ गॉड और रिलीजन और टू सेलिब्रेट और वर्शिप नेचर. We will learn about them in another class. हम इनके बारे में दूसरी क्लास में रीडिंग करेंगे. सो हम कुछ सेलिब्रेट कुछ फेस्टिवल्स को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम किसी प्रॉपर गॉड या रिलीजन को रिस्पेक्ट दे सकें या फिर हमारे नेचर को हम वर्शिप कर सकें, जैसे कि बैसाखी, पोंगल. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्टेप, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज एज वेल. कौन से फेस्टिवल हैं जो इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं? स्टूडेंट्स, मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर पीपल फॉलो द सेम रिलीजन. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड नॉट ओनली बाय इंडियन क्रिश्चियंस लिविंग इन इंडिया बट ऑल्सो बाय द अमेरिकन्स, Europeans and other Christians living in other parts of the world. So, जैसे कि क्रिसमस है वो वर्ल्ड के दूसरे जो पार्ट्स में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज़ में जो भी पीपल रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो सेलिब्रेट न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो हैं और न्यू ईयर जो है वो पूरे दुनिया के द्वारा मनाया जाता है, पूरे दुनिया के लोग इन्हें मनाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ प्लीज़ ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ एसएस, लेसन नंबर 1, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. हिंदू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी एंड गणेश चतुर्थी. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ट्वाइस अ ईयर. वो
ईद को साल में दो बार मनाते हैं एज ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा. क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस एंड द सिख्स सेलिब्रेट गुरुपर्व. द बौद्धिस सेलिब्रेट बुद्ध पूर्णिमा एंड द जैनिस सेलिब्रेट महावीर जयंती. ऑल दीज आर रिलीजियस फेस्टिवल्स. ये सारे ही क्या हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सेलिब्रेट सीजनल फेस्टिवल्स टू. तमिलियन सेलिब्रेट पोंगल इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरला, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश. द सेम डे इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज एज मकर संक्रांति. सो इसी दिन हिंदू जो हैं वो मकर संक्रांति भी मनाते हैं. पीपल फ्रॉम असम सेलिब्रेट बिहू एंड सिख सेलिब्रेट बैसाखी. सो जो असम के पीपल हैं वो हार्वेस्टिंग का कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, वो मनाते हैं बिहू. और जो सिख हैं वो मनाते हैं बैसाखी. वाइल ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. ओनम केरला में मनाया जाता है. ऑल दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. द तेलुगुज फ्रॉम द तेलुगुटीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेलिब्रेट उगाड़ी टू वेलकम देयर न्यू ईयर. वो अपने न्यू ईयर को मनाने के लिए उगाड़ी सेलिब्रेट करते हैं. हिंदूज इन नॉर्थ इंडिया सेलिब्रेट होली टू वेलकम स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए हिंदूज कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली. आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर योर कीवर्ड्स, फेस्टिवल एंड रिलीजन. यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स इन योर नोटबुक. नाउ प्लीज ओपन योर वर्कशीट. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर वन इज लिस्ट सम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. सो आपको इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताना है. सो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज बुद्ध पूर्णिमा. दोज हु फॉलो द बुद्धिज्म रिलीजन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा. सो ये क्यों मनाया जाता है, बुद्धा जो गॉड है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि महावीर जयंती. दोज हु फॉलो द जैन रिलीजन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महावीर, लोग महावीर. नेक्स्ट वन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दिवाली. दोज हु फॉलो गॉड लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, एंड टू सेलिब्रेट द गॉडेस लक्ष्मी. जो लक्ष्मी देवी हैं उनके लिए ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है. यूजुअली ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गॉड रामा जो थे दे रिटर्न होम वो अपने घर वापस आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई. आपको बताना है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और क्यों है. थर्ड क्वेश्चन इज़ क्रिसमस एंड ईद सेलिब्रेटेड ओनली इन इंडिया. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. नो, क्रिसमस एंड ईद इज सेलिब्रेटेड नॉट ओनली बाय इंडियन क्रिश्चियंस एंड इंडियन मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया बट ऑल्सो बाय द अमेरिकन्स, यूरोपियंस एंड अदर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स लिविंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्कशीट. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कम्प्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन एंड ऑल्सो यू हैव टू कम्प्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर. हाउ डू पीपल सेलिब्रेट ईद उल जुहा. सो आपको बताना है कि लोग ईद उल जुहा को कैसे मनाते हैं. Men go to mosque for prayers. People wish each other Eid Mubarak. They sacrifice goats and share the meat with friends, relatives and poor people. So you have to complete practice question number 1 and 2. Thank you everyone for watching this video.